दुनिया में फलों का राजा आम की कई किस्में पाई जाती है। इसके अलावा आम को राजकीय फल का दर्जा भी प्राप्त है। दुनिया में अलग अलग देशों के आमों की भी अपनी एक खासियत है। दशहरी, चौसा और लंगरा आम का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम जिस आम के बारे में बात कर रहे हैं वो जापान में मिलता है। इसके अलावा यह आम भारत में भी पाया जाता है। जापान में मिलने वाला दुनिया के सबसे महंगे आम का नाम ताइयो नो तमांगो है। यह जापान के मियाजाकी में होता है, तो वहीं बिहार के पूर्णिया और मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी मिलता है। इस आम को खरीदने के बारे में आम आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता है। आइए जानते हैं इस आम के बारे में। आमतौर पर यह आम जापान के क्यूशू प्रांत के मियाजाकी शहर में उगाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी इसके कुछ पेड़ हैं और बिहार के पूर्णिया में भी एक पेड़ मौजूद है। इस आम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2.7 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। भारत में ताइयो नो तमांगो नस्ल के एक आम की कीमत 21,000 बताई जाती है। पूर्णिया में इस नस्ल का एक पेड़ है जो 25 साल से मौजूद है। इस आम को खरीदने पर मिठाई के अलावा नारियल और अनानास का भी हल्का सा स्वाद आता है। इस आम को खास तरीके से तैयार किया जाता है। आम के पेड़ पर फल आने के बाद एक एक फल को जालीदार कपड़े से बांध दिया जाता है। इसकी वजह से आम का रंग अलग होता है। जामुनी कलर का यह आम देखने में भी बेहद खूबसूरत नजर आता है। भारत में सबसे महंगे आम की बात करें तो अल्फांसो या फिर हापुस आम सबसे महंगा बिकता है। यह आम इतना स्वादिष्ट होता है कि इसको सोरबूटी भी कहा जाता है। यह आम अपनी मिठाई और सुगंध के लिए जाना जाता है।